कांतापुर नाल के सीरीज में 19 चैप्टर हैं टोटल आपके, उनमें से हमने 8 चैप्टर की हिंदी समरी करी है। आज 9वें चैप्टर की बारी है। तो 14वें चैप्टर के एंड में हमने देखा कि कांग्रेस कमेटी का गठन हो जाता है जिसका प्रेसिडेंट मूर्ति था। आगे जब हम देखेंगे कि कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ तो ऑब्वियसली यह अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार से साजिश थी। जिस प्रकार से हरि कथा का आरंभ हुआ था, उस हरि कथा के खिलाफ जाकर स्वामी नामक इंसान ने अंग्रेजों को जानकारी दी थी कैसे ऐसे करके आपके खिलाफ कुछ लोग, गांव के कुछ लोग मिलकर हरि कथा के नाम पर भगवान के वर्णन के साथ साथ आपके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बीज बोए जा रहे हैं। इसी प्रकार से जब कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ तो यह भी अंग्रेजों के खिलाफ एक साजिश ही थी। और इस वजह से गांव का जो एक इंसान था भट्ट, वह अंग्रेजों के पक्ष में था, जिसका बाद में पता चलता है भट्ट कमेटी का विरोध करता है, वह इसका खंडन करता है। वह कहता है कि जो भी कमेटी में इंसान मूर्ति के साथ होगा, वह भट्ट ने जैसे गांव में बहुत सारे लोगों को पैसे ब्याज पर दिए थे, इंटरेस्ट पर दिए थे, तो भट्ट कहता है जो भी मूर्ति का साथ देगा, वह जो भी कांग्रेस कमेटी का मेंबर बनेगा, उसे ज्यादा ब्याज पर पैसे भट्ट से मिले जाएंगे, या फिर वह ज्यादा दर लगाएगा ब्याज की। वह जानता है कि मूर्ति का गांव के लोग बहुत आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन भट्ट एक साहूकार था और जिसका दबदबा सीधी सी बात है होना ही था। वह अधिक ब्याज लेने का फैसला करता उन लोगों से जो कि मूर्ति से जुड़े थे, उसकी कमेटी से जुड़े थे। अब वह कमेटी को तोड़ने का योजना बनाता है। वह वाटरफॉल वेनकमा को अपनी तरफ कर लेता है। किस प्रकार से, देखिए, आप किसी की जरूरत को अगर भाप लेते हैं, उसकी मजबूरी को, उसकी कमियों को भाप लेते हैं, तो वह उसके एक हथियार के तौर पर दूसरे के खिलाफ काम आ सकता है। अब वेनकमा की एक विवाह योग्य बेटी थी जिसका रिश्ता नहीं मिल रहा था। वह कहता है कि तेरी बेटी को एक ऐसा ऐसा रिश्ता ला के दे दूंगा जो वकील है, इतना पैसा है, इतना धनवान है, ऐसे ऐसे करके उसकी बहुत बड़ाई करता है। कहती है, बोली ठीक है, मेरी बेटी का रिश्ता करवा दिए, मैं तेरे साथ हूँ और मैं मूर्ति के खिलाफ सारी बातें फैला दूंगी, और जब भी मुझे बोलना होगा मैं मूर्ति के खिलाफ ही बोलूंगी। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि रिश्ते के नाम पर जो उसने एक लड़के का जिक्र किया था, वह लड़का न होकर कौन है, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति निकलता है, मगर रंगा का परिवार खुश है। और जो ये आपकी बेटी रंगा थी, उसकी, किसकी, वेंकमा की, रंगा नामक जो लड़की थी, उसका फैसला किया जाता है कि शादी का फैसला होगा सिनप्पा नाम से, नाम के वकील से कर दी जाएगी। और सिनप्पा की पत्नी मर चुकी थी, कुल मिला के सेकंड वेडिंग थी उसकी, और गांव में महिलाएं बहुत खुश थी। ये इस नोट पर आके एक यह अपना चैप्टर खत्म हो जाता है कि रंगा की शादी हो जाती है सिनप्पा से, जो कि वकील था, और परिवार खुश है, लेकिन गांव की महिलाओं को लगता है कि यह जोड़ी सही नहीं है। अब 10वें चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं। मूर्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों अरेस्ट कर लिया जाता है? उसने कांग्रेस कमेटी का गठन किया हुआ है, अंग्रेजों के खिलाफ जा रहा था। अब उसके अरेस्ट के बाद कांतापुर में क्या होता है, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है, कन्हैया के घर मूर्ति को कैद करने के लिए आती है। खबर फैल जाती है तो गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर बड़े का कहता है मूर्ति को बांध दो, लेकिन रसन्ना कहता है हमारे मालिक को मत बांध दे। पीटने की धमकी दी जाती है, लेकिन वह महात्मा गांधी की जय करके नारा लगाता है। पुलिस उसे कैद कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि भीड़ ने वहां पर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वह देखती है कि किस प्रकार से मूर्ति को लेके जा रहे हैं, जो कि इस आंदोलन की जान था, इस आंदोलन की नस नस पर मूर्ति का ही कब्जा था। अगर ये मूर्ति वहां नहीं होता तो ना तो आंदोलन की शुरुआत होती, ना गांव वालों में किसी प्रकार से एकता का कोई भी शुरुआत होती, और ना ही गांव वाले एकजुट होते, और ना ही कभी उन्हें लगता कि उन्हें भी उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ कभी लड़ना है। तो इस प्रकार से मूर्ति के गिरफ्तारी का असर गांव वालों पर इतना हुआ कि गांव वाले इकट्ठे हो गए, वहां पे लाठियों से लोगों को पीटने लगे, नारे लगाते रहे भीड़ वाले कि नहीं, मूर्ति को नहीं लेके जाना, महात्मा गांधी की जय। तो मूर्ति ने कहा कि गांधी जी के आदर्शों का पालन कीजिए, और गांव वालों को कहा शांत रहे। पुलिस इंस्पेक्टर मूर्ति को थप्पड़ मारता है। ऐसे दृश्य देखने के बाद गांव में लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है। वहां पे हिंसा हो जाती है, बहुत बड़ी हिंसा हो जाती है। गांव में पुलिस वालों ने हमला कर दिया, बेरहमी से उन्हें पीटा जा रहा था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या औरत, क्या कोई भी सामने आया, हर किसी को पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा, और बड़ी बेरहमी से उन्हें पीटा जा रहा था। आगे मूर्ति को कारावास में ले जाया जाता है। इससे लोगों में गुस्से की लहर
तोड़ जाती है। 17 लोगों को कैद किया जाता था, लेकिन अगले दिन उन लोगों को छोड़ दिया जाता, लेकिन मूर्ति को नहीं छोड़ा जाता। जेल में कई वकील आते मूर्ति से मिलने, कहते हैं हम आपका मुकदमा लड़ेंगे, हम आपका मुकदमा लड़ेंगे, पैसा भी इकट्ठा किया जाता, लेकिन मूर्ति कहता है कि मुझे वकील तो आप ठीक हो, लेकिन मुझे इन अंग्रेजों की अदालत में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वह कहता है कि मैं सत्य का पुजारी हूँ, मैं सत्य की बात मानता हूँ और सत्य हूँ मैं, इस प्रकार से मेरी ही जीत होगी, मुझे किसी प्रकार से बचाव की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से वह मना कर देता कि मुझे वकील करके जजों के सामने नहीं जाना। बच्चों बीच में हुई असुविधा के लिए खेद है, हम आगे बढ़ते हैं। तो जी मूर्ति के जेल में जाने के बाद बहुत सारी सभाओं का भी आयोजन किया गया और महात्मा गांधी की जय जैसे नारे गूंजने लगे। इस सभा में भाषण देने वाले लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते और कहते कि ब्रिटिश लोगों के खिलाफ सभी को एक होकर लड़ना होगा। छुआछूत की बुराई के खिलाफ भी उन्होंने बहुत सारी बातें की और एक बुरा आदमी उठता हुआ कहता है मूर्ति ने तो नीचे जाति के लोगों के साथ मेल मिलाप करके गाँव गाँव को दूषित कर दिया है और इसकी इस बात पर लोग चिल्लाते हैं कि वह तो सरकारी एजेंट है। तो वकील रंग गवा के कहने पर लोगों को समझाया जाता है कि गांधी के रास्ते पर चले, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, फिर पुलिस ने लोगों को भगाने के लिए लाठियों का प्रयोग किया, फिर पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लेती है। आगे है कि गांव के लोगों को पता चल जाता कि भट्ट एक सरकारी एजेंट है, कहा मूर्ति को सरकारी एजेंट कह रहे थे, निकला तो भट्ट। जिस रात मूर्ति कैद हुआ था उसे गिरफ्तार किया गया, वह कहीं नजर नहीं आया, बल्कि वह बड़े खां के साथ देखा गया था अगले दिन। वकील शंकर ने कारावार कांग्रेस कमेटी का सचिव बनने के बाद मूर्ति के पक्ष में सभा का आयोजन किया, लेकिन वह बाद में पता चलता है कि मूर्ति को 3 महीने का कठोर कारावास दिया गया है, यानी उसकी बेल नहीं होगी। लोग उदास हो जाते हैं और उपवास करते हैं क्योंकि वो भी मूर्ति को फॉलो कर रहे थे और मूर्ति किसको फॉलो कर रहा था, गांधी जी को फॉलो कर रहा था। आगे है कि एक दिन रामा कृष्णैया की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु कैसे होती है, बुजुर्ग इंसान थे, रात के समय उठे थे, बरामदे में खांसी आई थी उनको, बरामदे में हम कह सकते हैं कि खांसी थूकने आए थे, लेकिन वहीं पे वो गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब रंगमा उसके अस्थियों को काशी ले जाने की इच्छा करते हैं, गांव वाले उसका दाह संस्कार कर देते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलने की प्रार्थना करते हैं। अब आपने कमेंट करके बताना है कि रामा कृष्णैया कौन थे। मैं कहती हूँ कि वह रंगमा के पिताजी थे, तो आपने बताना है कि यह बात सही है या नहीं। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में।